टिकारी विधानसभा क्षेत्र के शिवनगर पंचायत महादलित टोले में कई महादलित लोगों को नहीं मिल रहा इंदिरा आवास का लाभ। मुखिया के कई वर्षों से दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं दिखा असर। प्लास्टिक के घर बनाकर रहने के लिए बेबस और लाचार है। इस भीषण गर्मी के मौसम में प्लास्टिक के घर बनाकर रहने से लोगों के शरीर पर भी असर पड़ने लगा है। तीखी धूप के कारण बच्चों के विकास तथा मानसिक पर भी असर पड़ने की आशंका है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को आवास योजना का लाभ देने के लिए हर जगह प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन ताजा मामला शिवनगर का है, जहां गरीब परिवार वालों को इसी प्लास्टिक के घर में रहने से सरकार की योजनाएं फेल नजर आ रही हैं। इन दलित टोलों में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से इसी प्लास्टिक के घर को बनाकर रह रही हूँ। कई वर्षों से आस लगाए और गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कई बार मुखिया से निवेदन तथा विनती करने के बाद भी उनके हृदय में दया की भावना नजर नहीं आई और हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन अब तक मिलता रहा है। लेकिन जब स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड के संवाददाता ने उन दलित लोगों की दुख भरी समस्या सुनी तो उनके भी आंखों से आंसू छलक कर जमीन पर गिर पड़े। आखिर क्यों गरीब लाचार बेबस लोगों पर होता आ रहा है अत्याचार? जवाब दे बिहार सरकार। कब तक इन लोगों को प्लास्टिक के घर में रहना होगा? जवाब दे बिहार सरकार। इनके बीते हुए जीवन काल में कई बार मुखिया एमएलए चुनाव लड़े और बने भी, लेकिन किसी ने इनके तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी पद की चिंता करते हुए चुनाव लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए। लेकिन बेसहारा लोगों को अब तक ना राशन कार्ड बना और ना ही रहने के लिए एक झोपड़ी। अब किसकी सरकार बेहतर है, भाजपा कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? समझ में नहीं आता। इस समय मैं किस पर आस रखूं? एक बार जीत हो जाती है तो सबकी दुख भूल जाती है। मैं अब कहां जाऊं और किसे सुनाऊं अपना दुख? जब भी एमएलए एमपीस गांव टोला में आते हैं तो गरीबों की समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अब मैं कहां जाऊं? मैं जीने की आस भी तोड़ चुकी हूं। इससे बेहतर है मर जाना। सब हमारे लिए मर गया। मुखिया जी नहीं जाते हैं, सब है, कोई नहीं काम किया मेरा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिलेगा? कितना दिन से ये बात बोल रहे हैं? साल भर से भंगल घर में ही बाल बच्चा इसी चली था डान का लाभ। अरे तो सरकार के द्वारा आवास योजना के लाभ देवल जाय थे सब गरीब लोगों के, ता मुखिया जी से ना बतियाले हनु? बतियाली है तो अभी कागज पत्र पेश हो लिया कुछ। अभी क्या दलाल कागज पत्र लगाए की साल भर हुई थी। कुछ डिमांड भी कर मुखिया के द्वारा पैसा वैसा मांगल थे? कितने दिन से तू रही थी थपड़ा के मकान में, करकट के मकान में? 60 बरस हो गए ढुकली हम जब से। ओकर पहले मुखिया जी के ना बोला 60 बरस से रही था। हाँ, ता जाना मुखिया गाँव के वलतीन तक कुछ तो ना कर करते। का नाम है ले अपने के? शांति देवी। कहाँ रहा हूँ? यही वाली में रहा। जगह कहाँ है, कौन गाँव है? शिवनगर। हाँ, क्या है ऐसी? झोपड़ी में है। कहाँ? आवास योजना के लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है, तो आप योजना का लाभ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। मुखिया जी के तहत का सुविधा मिला है अभी तक? कुछ नहीं मिला, राशन सब कुछ ना मिला। मुखिया जी के पास जाके बोले हैं कि हमको ये परेशानी? हाँ, तो क्या बोलते हो? देंगे। कब तक? कब तक? अब तो 5 साल हो गया, खत्म हो गया। एक साल पहले भी कोरोना आया था, फिर से कोरोना है। कोरोना काल में मुखिया जी के तहत क्या दिया गया? कुछ ना, बोले थे कि हम देंगे, तब का देंगे। 5 साल तो पूरा हो गया। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। कहाँ रहते हैं? शिवनगर। का परेशानी है अभी? यही परेशानी है कि कोनियों ने कुछ देवे ने किया है तो रह रहे हैं इसीलिए। तो फार्म उरम भरे थे? फार्म भरे थे तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि आप निकले, अभी तक तो कुछ नहीं। कितना दिन से ये बात बोल रहे हैं? ये तो कह रहे हैं साल भर से बोल रहे हैं। और कितना दिन से रह रहे हैं ऐसा में? ये तो जब से हमको होश हुआ है जब से इसी में रह रहे हैं। फार्म भर रहे हुए कितना दिन हुआ आपको? साल भर हो गया। साल भर के पहले भी तो मुखिया जी 5 साल के लिए मुखिया जी बनते हैं एक बार, उनको आर्थिक होने वाला, खत्म होने वाला है, आपका देंगे। तो इसके पहले भी आप फॉर्म भरे थे? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। पानी उनी का क्या सुविधा दिया है अभी तक मुखिया जी की तरफ से? अभी तक नल जल योजना ये सब बहुत सारे सरकार की तरफ से निकला हुआ है। नल दिए?